पहुंचे हैं फैंस के बीच में? सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और मुंबई में फिल्म लगी हुई है, काफ़ी जोरों शोरों से, काफ़ी धमाल के साथ, धमाके के साथ फिल्म चल रही है। और लोग इस सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि लोग फिल्म को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और जैसा कि बिहार में ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी, बहुत बड़ी ओपनिंग ली थी फिल्म में, सबसे बड़ी ओपनिंग ली थी, और मुंबई में भी बहुत बड़ी ओपनिंग ली और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है ससुराल के पूरे टीम के लिए, और हम सभी का मेहनत रंग लाया है। काफ़ी मेहनत किया था पूरे टीम ने, पूरे टेक्नीशियंस ने, जो पर्दे पे कलाकार दिख रहे हैं वो भी, और जो पर्दे के पीछे जितने भी टेक्नीशियंस थे उन सभी ने काफ़ी मेहनत की थी इस फिल्म के लिए, दिन रात एक किया था। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। और सबको जब फिल्में लोगों को, जब दर्शकों को पसंद आती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उस फिल्म के कैप्टन को यानी डायरेक्टर को होती है कि उन्होंने एक सार्थक सिनेमा बनाया है। जो इस फिल्म के जो निर्माता, निर्देशक, संगीतकार एवं कहानीकार हैं श्री राजकुमार आर पांडे, जिनकी ये बहुत ही पुरानी कहानी थी, जिन्होंने हमेशा इस कहानी को बहुत बहुत सालों से, दिनों से भी नहीं, महीनों से भी नहीं, बहुत सालों से इन्होंने इस कहानी को दबा के रखा था कि हम जब भी इस फिल्म को बनाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे और एक सही समय आने पर बनाएंगे। तो शायद ये सही समय था। स्टोरी क्या है? स्टोरी अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा। जिन लोगों ने फिर भी जिन लोगों ने देख ली है उनको स्टोरी पता चल गया है, क्योंकि काफ़ी थ्रिल है फिल्म में, काफ़ी सस्पेंस है। जिन लोगों ने नहीं देखी है फिल्म, वो लोग जाकर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में ज़रूर देखें और आप लोगों को स्टोरी ज़रूर पता चलेगा। जी चिंटू जी के साथ तो मेरी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है। जैसे कि मेरी पहली फिल्म थी इनके साथ मोहब्बत, उसमें भी बहुत ही पब्लिक ने अप्रिशिएट किया था हमारी जोड़ी। तभी राजकुमार सर ने डिसाइड किया कि मैं इसको ज़रूर ससुराल में अपने ब्रेक दूंगा। और राजकुमार सर जी ने मुझे बहुत ही अच्छा रोल दिया है, बहुत ही चैलेंजिंग है, जो कि मेरे करियर के लिए इतनी शुरुआत में ऐसा रोल करना बहुत मुश्किल था। ये सब भगवान का आशीर्वाद है, मेरी मम्मा का प्यार है और राजकुमार सर जी का आशीर्वाद था, जो मैंने इतने अच्छे से इस रोल को करने पाई हूँ। और बस मैं ये बोलूँगी बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी। हम खुद कितने सीन्स में, मैं खुद रोई, मेरी मम्मा रोई, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही दिल से ये फिल्म बनी। आप सब इस फिल्म को प्यार दें, आशीर्वाद दें। क्योंकि बात करें शाहरुख सलमान की फिल्में आज से 20 साल पहले ब्लैक होती थी, लेकिन जी बड़ी खुशी की बात आपके लिए आज हमने एक ब्लैक फिल्म देखा कि आपकी टिकटें ब्लैक हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये मैं भी काफ़ी समय के बाद ये सुनने में आया है कि टिकटें ब्लैक हो रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होता है जब ऐसा कुछ सुनने में आता है कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी जा रही है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है और काफ़ी शोर शराबा हो रहा है सिनेमा हॉल में। हम कलाकार अगर दिल से माने तो हम सिर्फ उसी चीज़ के भूखे होते हैं, लोगों के प्यार का भूखे होते हैं, लोगों के स्नेह के भूखे होते हैं। जितने हमारे दर्शक और मेरा जो भोजपुरिया परिवार है, चिंटू को जितना प्यार हमेशा देता रहा है, बस मैं उन सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने रखा है, वही प्यार, वही आशीर्वाद सदा रखें, हर फिल्मों पर रखें। मेरी जो भी फिल्म है, हर फिल्म पर अपना वही प्यार, वही आशीर्वाद रखें। अभी GST आ गया है, उसके बारे में क्या रिएक्शन? GST से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, लेकिन हमारे सिनेमा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। जो 100 रुपये के दर से जो कम टिकटें वाली जो चीज़ थी, उस पर GST बहुत अच्छी हुई है, बहुत कम रेट हुए, बहुत कम टैक्स हुए। तो ये हम सभी के लिए, एक भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। बाकी सरकार का ये जो ये कदम था, ये बहुत ही सही कदम था, क्योंकि सरकार हमेशा सोच समझ के हर चीज़ को समझते हुए, देश के चीज़ों को, पहलू को, इकोनॉमिक सिस्टम को समझते हुए वो कोई भी ये इस तरीके के डिसीजन लेती हैं। और मोदी जी ने अगर ये डिसीजन लिया है तो काफ़ी सोच समझ कर, काफ़ी चीज़ों के बाद ही लिया होगा, जो हमारे देश की ध्यानी। पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रिय ध्यानी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्ते। आज मैं प्रीमियर में आई हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसी मूवी है। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले देखी है, बहुत अच्छी मूवी है। आपने ससुराल जी, इसमें मैंने एक सॉन्ग किया है एज अ स्पेशल सॉन्ग चिंटू जी के साथ, उनका इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर देखना राधे राधे। आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बोलने से अच्छा आप देख लोगे तो वही बहुत अच्छा होगा। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? ब्लॉकबस्टर जा रहा है, हाउसफुल जा रहा है पूरा शो। हाँ हाँ, आप लोगों को भी पता होगा और सब दर्शकों को पता है, ब्लॉकबस्टर जा रही है और बहुत सुपर डुपर हिट है। तो क्या कहना चाहेंगे ससुराल के बारे में? ससुराल फिल्म रिलीज़ हुई है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे नौरंग थिएटर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस ससुराल की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और राजकुमार सर जी बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाया, और ख़ासकर इस फिल्म में मेरी बेटी है काजल, तो काजल का काम देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है।
मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मतलब काजल मेरी बेटी है, और जब तालियां और सीटियों की आवाज़ से जब हम थिएटर में देख रहे हैं उसको, तो बहुत ही अलग काजल का लुक सब कुछ, तो मुझे मतलब इतना नहीं था विश्वास कि काजल सच में इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है, लेकिन इसमें देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और मैं सब धन्यवाद हमारे दर्शकों का और आप सबका, इनफैक्ट कि आप लोग पहुँचाते हैं सारी बातें लोगों तक, और बड़ी खुशी है कि हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, पब्लिक जो है वो पूरा शो अंदर देख रही है, शो हाउसफुल है, आप लोगों ने देखा ही है, और पब्लिक बहुत मज़ा ले रही है फिल्म को लेकर। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने सोचा था, मुझे किस तरह से जो आज की प्रथा है कि मतलब घूंघट में रह के और कैसे लड़का लड़की नहीं देखते और शादी हो जाती है, तो उसी पर एक बहुत बड़ा इनफैक्ट बोला जाए तो एक प्रहार भी है कि आप, आज का टाइम बदल गया, युग बदल गया, कहीं ना कहीं लड़की लड़के को दूसरे को मिलना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद शादी उनकी करनी चाहिए, क्योंकि फाइनली ज़िंदगी दोनों को जीना होता है, घर परिवार संस्कार को बेटे और बेटी वो भी पकड़ के चलें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन दोनों को मिलाएँ और एक बेहतर जीवन साथी दूसरे के लिए चुनें। तो ससुराल लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, म्यूज़िक इसका बहुत अच्छा है, और इतनी बड़ी हिट हुई है फिल्म, जहाँ 4 पिक्चरें रिलीज हुई थी वहाँ सबको ध्वस्त करके ससुराल आज सबसे आगे है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं अपने दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा, और आप सबका कि आप लोग इस तरह से प्यार को, फिल्म को प्यार दे रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं।